नमस्ते बच्चों, आज थोड़ी हम प्रकृति की बात करेंगे। निसर्ग, प्रकृति, नेचर। आप सब लोगों को तो मालूम है ना, स्कूल में आप पढ़े होंगे कि हमारी जो प्रकृति है वो हमारे वैदिक सिद्धांत जो था उसके हिसाब से हम कहते हैं कि पांच तत्वों से वो बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। सभी जड़ चेतन चीज़ें जो है वो इन्हीं में से या तो दो तीन तत्व साथ में मिलकर के सब बनी है। और हर एक प्रकृति के हर एक चीज़ में आपको देने के लिए कुछ है। सभी प्रकृति की सभी चीज़ें कुछ न कुछ बांटती रहती है, देती रहती है। आप सूरज देखो तो सूरज जो है वो पूरे दिन आपको प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। यदि सूरज नहीं हो तो क्या हाल होंगे आपके, आपको मालूम है कितनी तकलीफ होगी। तो ये सूरज ये करता ही रहता है। किसी की भी आप बात करो तो सभी लोग इस प्रकार से करते हैं। और इसलिए पुराने ज़माने में हम लोग प्रकृति पूजक थे, हम प्रकृति की पूजा करते थे, है ना। हम जब मकान बनाते हैं तो पृथ्वी में खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं ना पहले, तो उस समय पृथ्वी की प्रार्थना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, करते हैं कि नहीं। जल की हम पूजा करते हैं, वृक्ष की हम पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, सभी चीज़ों की हम पूजा करते हैं। तो हम लोग पहले से ये मानते हैं कि ये सारी प्रकृति जो है वो हमारे अच्छे के लिए बनी है, तो उसकी पूजा करनी चाहिए और वो जो दे रही है वो उसका शोषण नहीं करना चाहिए। बराबर है। आप गाय का दूध लेते हैं तो उसको दोहन कहते हैं। तो गाय दूध देती है तो आप दोहते हैं उसको, तब वो गाय दूध देती है। यदि गाय का आप शोषण करोगे तो उसको खाना पीना बराबर से नहीं दोगे तो उसकी अच्छी देखभाल नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। तो उसी प्रकार से सभी चीज़ों के लिए हमें शोषण नहीं करना है और सभी चीज़ों की देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है। और उन सबसे हम कुछ न कुछ सीख पाते हैं। एक भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण है ना, उसके अंदर एक कथा आती है। यदु नाम का राजा था, तो किसी दिन वो एक जंगल में गया और वहाँ एक ऋषि मुनि थे, उनके पास बैठा। तो वो ऋषि मुनि का ज्ञान वगैरह देख करके उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी। तो वो ऋषि ने बताया कि प्रकृति से, सभी प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो उसके अंदर उन्होंने पूछा कि क्या क्या, किसने क्या क्या सिखाया। तो उन्होंने कहा कि हवा मुझे सिखाती है कि आप मंद तरीके से बहते रहो, सबको खुश करते रहो, खुशबू देते रहो, है कि नहीं। पर्वत, तो पर्वत को भी वो सिखाता है कि सभी बुराइयों से ऊपर उठो और डट करके खड़े रहो। जल, जल की तरह से बहते रहो, स्वच्छ, मधुर, तृप्तिदायक इस प्रकार का पानी सबको पिलाते रहो। वृक्ष सदा देता रहता है, आप उसको पत्थर भी मारोगे तो वो सामने से आपको फल देगा। चंद्रमा, रात को जब अंधेरा होता है तब चंद्रमा की जो शीतलता होती है और उसका जो प्रकाश होता है उसका महत्व हमें मालूम पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है, समुद्र है वो भी अपने संतुलन में रहता है, वो अपनी मर्यादा कभी छोड़ता नहीं है, तो हमें भी ऐसी मर्यादा में रहना चाहिए। तारे जो है वो भी कहाँ कहाँ से चमकते रहते हैं, अपने जगह जगह से और अपनी अपनी जो परिधि है उसके अंदर घूमते रहते हैं। मधुमक्खी वो भी सभी जगह से मध इकट्ठा करती है। तो हम भी जो सार तत्व है, अच्छी चीज़ें हैं वो सभी जगह से लेनी चाहिए। फूल है, हमें हमेशा खुशबू देता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रकृति से हमें सीखने को मिलती है। तो हमें भी ये सब सीखना है और उनसे यही सीखना है कि सबको सब कुछ देना है, इकट्ठा करके बैठ नहीं जाना है मेरे लिए सब, वो सबके लिए है, सबको देना है। सही बात है। अच्छा लगा आपको, धन्यवाद।